ऑलराइट, सो वी गोना स्टार्ट अ डिस्कशन ऑन ऑक्सीजन फैमिली नाउ। तो अपना ग्रुप 15 हो चुका है, इसमें अपन ने नाइट्रोजन और फास्फोरस इसके ऊपर ही फोकस है। आर्सेनिक एंटीमनी बहुत थोड़ा थोड़ा आता है बेसिकली, तो इसमें फास्फोरस इज एक्चुअली मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि नाइट्रोजन को तो कुछ ज़्यादा है नहीं इफ़ यू थिंक अबाउट इट। ओके, ऑब्वियसली देर इज लॉट ऑफ रिएक्शंस ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स, उसके ऑक्साइड्स भी देखे अपन ने, ओके, और ऑक्सी एसिड्स भी देखे नाइट्रोजन के। बट इफ़ यू कंपेयर बिटवीन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, फॉस्फोरस इज एक्चुअली मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। बट यू नो, यू डोंट नो वॉट द, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों के इम्पोर्टेंस में। अपन ये बोल रहे हैं कि मार्जिनली फॉस्फोरस इज मोर इम्पॉर्टेंट, ओके। बट एनी वे, मतलब सो इफ इट कम्स डाउन टू एग्जाम्स, बोथ ऑफ दिस नाइट्रोजन एज वेल एज फॉस्फोरस, दे शुड कैरी इक्वल मार्क्स, ओके। तो अब अपन देखते हैं ग्रुप 16, विच इज ऑक्सीजन फैमिली। इनको अपन बोलते हैं चालकोजेंस। क्या बोलते हैं इनको? चालकोजेंस। चालकोजेंस का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग, दैट मीन्स दे मेक ओर्स। फॉर एग्जाम्पल, देख, ऑक्सीजन बनाता है ऑक्साइड्स, सल्फर बनाता है सल्फाइड्स, सेलेनियम सेलेनाइड्स, टेलुरियम जो है वो टेलुराइड्स। तो ये है ओर्स, ओके, दे फॉर्म ओर्स। तो ये अपन ने ओर्स एक्सट्रैक्शन मेटलर्जी में ऑलरेडी देख चुके हैं, ओके। सो दे फॉर्म ओर्स, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज चालकोजेंस, ओके। सो यहाँ पे दिया ही है, चालकोजन लिटरली मीन्स ओर फॉर्मिंग। ऑक्सीजन नॉन मेटालिक है, ऑक्सीजन एंड सल्फर दीज आर नॉन मेटालिक। सेलेनियम मेटालॉइड है, सेलेनियम एंड टेलुरियम, एंड पोलोनियम दैट इज मेटालिक, ओके। सो एज यू गो डाउन द ग्रुप, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, यही अपने को दिख रहा है यहाँ पे, ऑलराइट। ये ध्यान में रखना है कि सेलेनियम एंड टेलुरियम दीज आर मेटालॉइड्स। तो यहाँ पे टेबल ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं, वी हैव ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, और इनका एटॉमिक नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑब्वियसली इफ यू लुक एट इट, वी ऑलरेडी नो कि इनके वैलेंस शेल में Ns2Np4, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो दे नीड 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट द ऑक्टेट, इजेंट इट। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसी से इनकी प्रॉपर्टीज डिसाइड होती है, राइट। अगर कोवेलेंट रेडियस देखेंगे तो एज यू गो डाउन द ग्रुप द कोवेलेंट रेडियस इंक्रीजेस, और यहाँ पे अपने को वही दिख रहा है, नो एक्सेप्शन, ओके। स्टडीली इट बेसिकली इंक्रीज। ऑब्वियसली अगर तुम डी ब्लॉक और इसमें अगर देखो, ओके, सो दैट्स वेयर यू आर गेटिंग अ डी ब्लॉक, ओके। डी ब्लॉक आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे एफ ब्लॉक आएगा, इजंट इट। तो से इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी, बट यहाँ पे जैसे वी आर फार ऑन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो ये जो डिफरेंस होता है ये निग्लिजिबल हो जाता है। निग्लिजिबल बोले तो बहुत कम हो जाता है डिफरेंस। जैसे ग्रुप 13 और 14 में अपने को ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा दिखता है, द इंसर्शन ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स का, राइट। लेकिन जैसे अपन राइट साइड में आते हैं तो ये जो इफेक्ट होता है वो डिमिनिश हो जाता है थोड़ा, ठीक है ना। तो अपने को बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा फिजिकल एंड इनके प्रॉपर्टीज़ में, ओके। देन वी हैव आयनिक रेडियस, या नो डिफरेंस देयर, एज यू गो डाउन द ग्रुप आयनिक रेडियस ऑल्सो इंक्रीजेज, राइट। आयनाइजेशन एनर्जी देख रहे, Ie1, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ऑब्वियसली दीज आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है ना, तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा रहेगी, राइट। और एज यू गो डाउन द ग्रुप द आयनाइजेशन एनर्जी शुड डिक्रीज, ओके। क्या वही ट्रेंड मिल रहा है अपने को? यस, कोई एक्सेप्शन नहीं मिल रहा है अपने को यहाँ पे, इजेंट इट। क्या? क्योंकि अपन राइट हैंड साइड में आ गए, जिसके वजह से प्रॉपर्टीज़ अभी अपने को एज एक्सपेक्टेड मिलेगी, जो डिफरेंस है वो बहुत कम हो जाता है यहाँ पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही है, नो एक्सेप्शंस, ओके। मेल्टिंग पॉइंट, ओके, टॉप टू बॉटम जाते हैं जनरली इंक्रीज होता है मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पे भी अपने को वही दिख रहा है, ओके, इंक्रीज होता है, थोड़ा एक्सेप्शन आता है पोलोनियम में, दैट इज फाइन, ओके। देन वी आर बॉइलिंग पॉइंट, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, एक्सेप्शन अगेन पोलोनियम। डेंसिटी, ओके, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है, नो एक्सेप्शन, दिस इज अ जनरल ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, एज यू गो डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीजेस। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देख रहे हैं अपन, तो ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से लेके +2 में आते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। सबसे कॉमन इसका होता है -2, और अगर सल्फर सेलेनियम
टेलुरियम पोलोरियम देखिए, तो देखो तुमको एक ट्रेंड दिख रहा है कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है यहाँ पे, इजंट इट? सल्फर के पॉजिटिव में प्लस टू से प्लस सिक्स आता है, अगर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ लगा है तो इसका पॉजिटिव स्टेट है, और अगर कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के साथ लगा हुआ है तो दिस इज गोइंग टू बी इन अ माइनस टू स्टेट, इलेक्ट्रो पॉजिटिव के साथ लगा है तो, ठीक है ना? सो माइनस टू बहुत कम केसेस में अपने को मिलेगा सल्फर के केस में, जैसे अगर मान लो कि मेटल के साथ लगा हुआ है, इजंट इट? सल्फर सल्फाइड है तो उसमें सल्फाइड आयन मिल रहा है अपने को, इजंट इट? मेटल के साथ, तो ये उसी केस में नेगेटिव टू ऑक्सीडेशन स्टेट देगा। सेम थिंग अप्लीकेबल टू सेलेनियम, सेलेनियम में भी वही केस हो रहा है। टेलुरियम में अगेन माइनस टू का टेंडेंसी तो बहुत कम हो जाएगा, ओके बहुत ही कम हो जाएगा, तो ये करीब करीब दिखेगा ही नहीं, राइट? बट यू विल गेट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स, और यहाँ पे पोलोनियम में यू विल ओनली गेट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। एज यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या दिख रहा है? इनर्ट पेयर इफेक्ट दिख रहा है तुमको, इजंट इट? इनर्ट पेयर इफेक्ट दिख रहा है यहाँ पे। एज यू गो टॉप टू बॉटम जो फोरस के जो इलेक्ट्रॉन्स थे या फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, दे बिकम मोर एंड मोर इनर्ट एज यू गो डाउन द ग्रुप, ओके? बिकॉज ऑफ द पेनिट्रेशन ऑफ दीज एस इलेक्ट्रॉन इज मोर देन द पी इलेक्ट्रॉन, पी इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा आसान हो जाता है। सो एज यू गो डाउन द ग्रुप द ऑक्सीडेशन स्टेट का जो स्टेबिलिटी है प्लस सिक्स का वो डिक्रीज होता है और प्लस फोर का इंक्रीज होता है। नेक्स्ट वी गोना टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड है। अगर मान लो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा रहेगी, लेकिन यहाँ पे तुमको थोड़ा सा सरप्राइजिंग रिजल्ट मिलता है, ओके? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इजंट इट? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगा उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन जो है लेने में अच्छा रहेगा, इजंट इट? तो यहाँ पे अपने को थोड़ा सा एक्सेप्शन मिलता है इन केस ऑफ ऑक्सीजन, ऑलराइट? ऑक्सीजन के केस में अपने को एक्सेप्शन मिलता है क्योंकि अब वी एक्सपेक्ट कि इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी ज़्यादा होगी, बट इट इज़ इनफैक्ट लोएस्ट इन दिस ग्रुप, ओके? वैल्यू के ऊपर ध्यान दो, नेगेटिव साइन के ऊपर नहीं, ओके? नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन आता है तो इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। सो वॉट दिस एक्चुअली टेल्स यू इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज बींग रिलीज, नॉट द वैल्यू एग्जैक्टली, ठीक है ना? तो वैल्यू की तरफ अगर देखते हैं अपन तो इट हैज़ द लोएस्ट वैल्यू, इसका मतलब ये हो गया कि इट इज़ गोइंग टू लिबरेट लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हेन इट गेन्स द इलेक्ट्रॉन, इजंट इट? तो दैट इज़ द प्रॉब्लम विद इट, समझ में आया ना? और ये इसलिए मिल रहा है अपने को क्योंकि ऑक्सीजन इज स्मॉलेस्ट हियर, ओके? इट्स एक्चुअली वेरी स्मॉल, ऑक्सीजन कैसा है, बहुत ज़्यादा छोटा है, ऑक्सीजन इज़ वेरी स्मॉल। तो ये जब दो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ओके, व्हेन इट गेन्स द इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ जाता है और इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ एक्चुअली लो। एज यू गो डाउन द ग्रुप, फिर सल्फर का देखो सबसे ज़्यादा मिल रहा है तुमको, एंड एज यू गो डाउन द ग्रुप इट डिक्रीजेस, दिस इज एज एक्सपेक्टेड, इजंट इट? ये एज एक्सपेक्टेड है एंड दिस इज एक्चुअली एक्सेप्शन। इज दिस क्लियर? ये ध्यान में रहेगा क्या तुम लोगों को कि ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो उतना ज़्यादा नहीं है जितना अपन एक्सपेक्ट करते हैं, ऑलराइट? इज एक्चुअली लेस देन एक्सपेक्टेड, द रीज़न इज बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, ओके? नेक्स्ट इज रिडक्शन पोटेंशियल, दैट्स फाइन, एज यू गो डाउन द ग्रुप रिडक्शन पोटेंशियल एक्चुअली डिक्रीजेस एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस। ये तो टिपिकल है ना, मेटालिक प्रॉपर्टी जो है टॉप टू बॉटम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज होगा, और यही अपने को दिख रहा है यहाँ पे। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देखते हो तो इट इज़ डिक्रीजिंग, क्लियर? सो इफ यू लुक एट द मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बिटवीन दीज टू, देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इजंट इट? अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू लुक एट द लिक्विड ऑक्सीजन, इसका मेल्टिंग पॉइंट आ रहा है, मतलब ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है 183, माइनस 183, और सल्फर इज एक्चुअली 445, ह्यूज डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, ओके? सो ये
इसलिए आ रहा है बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर इट्सेल्फ। ओके, यहाँ पे ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज ओ टू, ओके, एंड सल्फर एग्जिस्ट एज एस एट, सल्फर ले रहे हैं अपन सिर्फ, ठीक है ना। सेलेनियम इज गोइंग टू बी एस ई एट। तो देखो मॉलिक्यूलर साइज में ही फर्क आ रहा है, इजेंट इट, ये छोटा मॉलिक्यूल है, ये बड़ा मॉलिक्यूल है, इजेंट इट। तो जैसे ये बड़ा मॉलिक्यूल है तो इसमें ज़्यादा वैंडर वॉल्स फोर्सेस रहेंगे, इजेंट, और यहाँ पे लो रहेंगे वैंडर वॉल्स फोर्सेस। तो इसके वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ गोइंग टू बी स्मॉलर, और इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इज गोइंग टू बी हायर बिकॉज ऑफ लार्ज वैंडर वॉल्स फोर्सेस। क्लियर है? तो ये अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं, ओके, द रिस्पेक्टिव एग्जिस्टेंस एज डायटमिक एंड पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल्स। अपन एक्सप्लेन कर, डायटमिक बोले तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेटल है तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा, सॉरी मेटल बोल रहा, एलिमेंट है तो जस्ट इफ एलिमेंट जैसे एक्स है तो ओके, तो एक्स डबल बॉन्ड बनाएगा, और अगर पॉलीएटमिक है मतलब तो ये एक्स इस तरह के लिंकेजेस बनाएगा, ठीक है ना, ये इट्स पॉसिबल टू हैव दिस टाइप ऑफ लिंकेजेस। तो व्हाई इट वुड एग्जिस्ट एज डायटमिक और पॉलीएटमिक, इट डिपेंड्स अपॉन द बॉन्ड एनर्जीज। तो ऑक्सीजन का अगर बॉन्ड एनर्जी देखे तो इट इज़ 500 किलो जूल पर मोल अप्रॉक्सीमेटली, बराबर है, डबल बॉन्ड, और अगर सिंगल बॉन्ड देखे तो इट्स 142। तो दिस इज एक्चुअली मच मोर दैन द डबल, इजेंट इट, इट्स एक्चुअली मोर दैन द ट्रिपल इट सेल्फ। जो डबल बॉन्ड बॉन्ड एनर्जी है ऑक्सीजन की, ये सिंगल बॉन्ड से 3 गुना से भी ज़्यादा आ रहा है। ऑलराइट, सो इस केस में ऑब्वियसली ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है दैट इज गोइंग टू बी एक्चुअली मोर स्टेबल इज गोइंग टू बी द वन विच इज दिस, ओके, तो ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा। और अगर यहाँ पे देखें अपन सल्फर के केस में, सल्फर का बॉन्ड एनर्जी, डबल बॉन्ड एनर्जी आ रहा है 431 और सिंगल बॉन्ड 265, ओके, तो जो डबल बॉन्ड एनर्जी है दैट इज लेस देन ट्वाइस द सिंगल बॉन्ड एनर्जी। तो इसके वजह से कौन सा बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल रहेगा, इसका सिंगल बॉन्ड। क्लियर है? ये रीजंस एग्जाम में पूछते हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, या दे ऑल्सो आस्क रीजंस इन द एग्जाम्स, ओके, मल्टीपल वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना उनमें दे विल इनकॉर्पोरेट रीजंस एज द चॉइसेस। ऑलराइट, तो इसके वजह से क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस जो कैटेनेशन है ऑक्सीजन का, ओके, वो अनस्टेबल होता है, ओके, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेजेस आर वेरी अनस्टेबल। जैसे अपन सबसे छोटी लिंक भी लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया परऑक्साइड लिंक, दिस आल्सो इज अनस्टेबल, इट डिकम्पोजेस वेरी इजीली, ओके, सो ऑक्सीजन डज नॉट मेक सिंगल बॉन्ड, एक्चुअली मेक्स डबल बॉन्ड विद इटसेल्फ। लेकिन अगर मैं सल्फर देखूँ तो सल्फर के चेन जो है इसका कैटेनेशन काफ़ी अच्छा है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड इज एक्चुअली स्ट्रांग, ओके, तो ये कैटेनेटेड बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड इज एक्चुअली वेरी वीक, ओके, सो इट डज नॉट वॉन्ट टू मेक सल्फर सल्फर डबल बॉन्ड, इट वॉन्ट्स टू मेक सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड। ओके, विल टेक अ रिव्यू क्वेश्चन एंड देन विल स्टॉप। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन शुड बी अ वेरी ईजी क्वेश्चन, इट्स इन फैक्ट अ डेड ईजी क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, ओके, दैट इज द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन of group 16, that is the general electronic configuration of group 16. So we'll continue this in the next class. If there is any question, please go ahead and ask. If not, then you guys can leave. Thanks. Bye.